आपके विचार, आपकी भाषा, आपकी भाषा का प्रयोग, आपका उच्चारण बहुत ही शानदार और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी प्रतिभागियों ने इसी प्रकार का प्रदर्शन किया होगा और ये बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है और आप सभी बधाई की बात है। इसके मेरी शुभकामनाएं आप सभी को आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी पहल करेंगे और हमारा सौभाग्य है कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। भाषण प्रतियोगिता तो जैसे आपको पता है भाषण प्रतियोगिता है वो एक पार्ट है, एक मैसेज देना बच्चों को किस तरह से हम हिमालय को बचा सकते हैं। ये आप लोगों के व्यूज होंगे, ये व्यूज को मैं कल भी सुन रहा था और आज भी आप बताएंगे मुझे कि ये व्यूज तो आपके बहुत अच्छे हैं लेकिन किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जन सहभागिता किस तरह से होगी, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिंदुस्तान की टीम को इस प्रयास को, इस प्रयास को सफल बनाने में जन सहभागिता कैसे होगी। आज आपके समक्ष बच्चे अपना विचार प्रस्तुत करेंगे किस तरह से हिमालय बचाओ कार्यक्रम में उनका सहयोग हो सकता है और हिमालय को बचाना क्यों जरूरी है। तो हम सबसे पहले अपने मंच पर बुलाते हैं कुमारी सिमरन को जो GGIC से है। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष 1.5 लाख टन कूड़ा हिमालय की पहाड़ियों से निकाला जाता है। तो सोचिए कौन है दोषी, मानव या प्रकृति। हरित गृह प्रभाव जिसे आप सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं वह ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बताया जाता है। शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इतना बढ़ता उत्सर्जन देखा गया है कि ठंडी का तापमान बढ़ता जा रहा है। मामूली पर्वतमाला है जो आज हमें लोगों को इसका महत्व समझाने की आवश्यकता पड़ रही है या फिर लोगों से इसका पर्यावरण का संरक्षण करने का निवेदन करना पड़ रहा है। बिल्कुल हिमालय है तो हम है देश का गौरव है हिमालय, न कि केवल एक सुंदर पर्वतमाला है अपितु इसका हमारे पर्यावरण को बचाने में भी अत्यंत योगदान है। हिमालय हमारी शान है, रक्षक है, मनमोहक है, आन और बान है। इसमें मेरा भारत महान है कि कवि ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कुछ इस प्रकार कहा, मेरे नगपति मेरे विशाल साकार गौरव विराट, पौरुष के पूंजीपति ज्वाल ज्वाल, मेरी जननी के ही किरे मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे भारत के दिव्य भार। स्थानीय समाज जंगलों की रक्षा पूर्ण रूप से करता आया है, ऐसे में पर्यावरण को बचाए रखने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। भारत को प्रकृति में से बहुत सारे उपहार मिले हैं जिनमें से एक हिमालय पर्वतमाला है। का कर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंड गतैरवि, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंड गतैरवि। अधिकारों के लिए लड़ने वाले हे मनुष्य, क्या तू भूल गया है कि तुझे अपने कर्तव्यों का विस्मरण हो चुका है। जिस हिमालय ने तेरी रक्षा इतने वर्षों से छत्र बनकर करी, आखिर क्यों तू उसे अपने कर्मों से डुबोने चला है। हम सभी को पर्वतों पर ऐसे पेड़ों का रोपण करना चाहिए जो कि मिट्टी को बांध कर रखने की क्षमता रखते हो। इससे हम हिमालयों में भूस्खलन जैसी आपदाओं से भी बचा सकते हैं। हिमालय से जुड़े गाँव व शहरों में वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया को अनिवार्य रखना चाहिए। हिमालय के किसी भी निर्माण कार्य में मशीनों के बजाय मानव श्रम को आधार बनाना चाहिए। इससे न ही वहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा अपितु हमारे पहाड़ों की सुंदर बनावट को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। हमें वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संगठन बनाने चाहिए, उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बनाना चाहिए जिसमें हमें ज्यादातर औरतों को सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं पहाड़ों पर सबसे ज्यादा कर्मशील औरतें होती हैं। अभी गौरा देवी जैसी अनेक वीरांगनाएं
जलवायु जल जीवन और पर्यावरण का आधार है और पर्यावरण का आधार है। इसके गगनचुंबी शिखर हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं हमें नई ऊंचाई छूने की प्रेरणा देते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ